यार फिर से वही पाकिस्तान वाली बकचोदी। पहले सिर्फ ये स्पाई यूनिट्स वाले पाकिस्तान के पीछे हाथ धो के पड़े थे और अब यहाँ भी यही हो रहा है। अब तुम लोग कह सकते हो कि एक ट्रेलर को देख के पूरी मूवी को जज करना बहुत गलत बात है। गलत बात तो है, देखो मैं भी मानता हूँ, पर क्या तुम्हें पता है इस मूवी का क्लाइमेक्स बैटल कहाँ होने वाला है? पीएम ऑफिस में, वो भी पाकिस्तान के। स्पॉइलर दे दिया क्या? नेगोशिएट करना तो कभी योद्धा का स्टाइल था ही नहीं। सिद्धार्थ मल्होत्रा की न्यू मूवी योद्धा का ट्रेलर आ चुका है एंड इट वॉज गुड, एटलीस्ट बेटर देन वॉट आई वॉज एक्सपेक्टिंग। टू बी ऑनेस्ट, इस मूवी को लेकर ना कुछ खास एक्सपेक्टेशन थी मेरी, ना ही कुछ खास एक्साइटमेंट, लेकिन फिर इस ट्रेलर के एक्शन ने मेरा खतरनाक अटेंशन ड्रॉ किया। एंड ट्रेलर हमें ठीक ठाक आइडिया भी दे देता है कि हमें मूवी की स्टोरी में क्या देखने को मिलेगा एंड मूवी में हमें क्या क्या चीजें दिख सकती है। एंड टू बी ब्लंट ऑनेस्ट, ऐसा कुछ खास यूनिक सा नहीं किया लोगों ने स्टोरी में, और इस कॉन्सेप्ट पे बनी हजारों पिक्चरें हम बॉलीवुड में देख चुके हैं जिनका लफड़ा पाकिस्तान से हो रखा है। अभी 2024 को सिर्फ 2 महीने कंप्लीट हुए हैं एंड हमारे सामने 3 मूवीज हैं जिनका पाकिस्तान से लफड़ा भिड़ चुका है। फाइटर, ऑपरेशन वैलेंटाइन जो कि अभी रिलीज होनी बाकी है, और योद्धा जो कि अभी रिलीज होनी बाकी है। मतलब फिर भी कह सकते हो स्टार्टिंग के 3 महीने में ही अपने को 3 मूवी जिनका पाकिस्तान से लफड़ा चल रहा है वो देखने को मिल चुकी है बॉलीवुड के द्वारा। अब इस मूवी का एक मेजर पोर्शन प्लेन हाईजैक को कवर करेगा, इसी के दौरान हमें कुछ अच्छा खासा ट्विस्ट फेंक के मार दिया जाए तो आई एम टोटली अप फॉर इट। और अगर ये लोग ऐसा करते हैं तो भाई काफी अच्छी बात होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट भले ही आप सिमिलर रखो लेकिन उसमें आप कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करो, कुछ अपना डालने की कोशिश करो तो वो बेहतर है। पिछले साल टाइगर 3 में सल्लू भाई गए थे पाकिस्तान, वहां की पीएम साहिबा को पीएम ऑफिस के अंदर बचाया था। एंड जब मैं इस ट्रेलर को देख रहा था तो मैंने एक चीज नोटिस की इस ट्रेलर के अंदर कि एक फ्रेम के अंदर अपने जो सिद्धार्थ भैया हैं वो पीएम ऑफिस में लफड़ा कर रहे हैं पाकिस्तान के, और मोस्ट प्रोबेबली क्लाइमेक्स वाली बैटल जो है वो इसी पीएम ऑफिस में ही टेक प्लेस करेगी और हमें लफड़ा दिखाया जाएगा पाकिस्तान के अंदर। सो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इस मूवी की स्टोरी किस डायरेक्शन में प्रोग्रेस करती है। अब इनिशियली इस मूवी को फ्रॉम द मेकर्स ऑफ शेरशाह करके प्रमोट किया जा रहा था ताकि वो ऑडियंस गैदर कर सके, क्योंकि अपने टाइम पे लोगों को शेरशाह बहुत पसंद आई थी, मतलब एकदम ऐसा हिट कर गई थी लोगों के अंदर, उसी मूवी की हाइप का फायदा उठाना चाहते हैं लोग इस मूवी के अंदर। बट मैं बता दूं कि शेरशाह मूवी से ना उस मूवी का राइटर है इस मूवी के अंदर, ना इस मूवी का डायरेक्टर है इस मूवी के अंदर, बस प्रोडक्शन हाउस सेम है, तो ये बात जरूर ध्यान रखना तुम लोग। ऑल्दो इस मूवी के ट्रेलर में जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस हमें दिखाए गए वो दिखने में काफी क्रिस्प और सही लग रहे हैं, क्योंकि जिस कैमरा वर्क के साथ उन्हें दिखाया गया है और जिस स्पीड रन के साथ एडिट किया गया है वो काफी ज्यादा हिट करता है। एंड आई एम अप फॉर इट कि मुझे ऐसे और भी ज्यादा एक्शन सीक्वेंसेस मूवी के अंदर देखने को मिले। एंड इन्हीं एक्शन सीक्वेंस से इंप्रेस होकर जब मैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में थोड़ा रिसर्च करने गया तो मुझे पता चला कि पुष्कर और सागर दो लोगों ने मिलकर इस मूवी को डायरेक्ट किया है, और इनके बैकग्राउंड को जब मैंने एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला इन लोगों ने किक, वॉर, पठान और उरी जैसी मूवीज में असिस्टेंट डायरेक्टर के रोल में काम किया है, तो मतलब काफी सारा एक्सपीरियंस इन लोगों के पास है, तो आई थिंक दे कैन पुल इट ऑफ। बट अगर स्टोरी में वाकई में दम रहा तो ही मूवी अच्छी बनेगी, बाकी अगर स्टोरी में दम नहीं रहेगा तो डायरेक्टर क्या ही कर लेगा। ओवरऑल ट्रेलर की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट है मेरे ओपिनियन में इसके एक्शन सीक्वेंसेस जो कि बहुत कमाल के थे। उसके बाद इस मूवी का म्यूजिक मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा, कुछ मेमोरेबल सा नहीं लगा। उसके अलावा अगर वीएफएक्स की बात करें तो पूरी मूवी के अंदर हमें वीएफएक्स इग्नोर ही करने पड़ेंगे। उसके अलावा स्टोरी का भी हमें आइडिया लग जाता है कि इस मूवी की स्टोरी किस टेम्पलेट पे बनी हुई है। बाकी ट्रेलर अपना काम कर जाता है, एक अंदर से पंप्ड वाली फीलिंग तो दे ही देता है और साथ ही साथ मूवी के लिए थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट भी बढ़ा देता है। आई एम अप फॉर द मूवी, और अगर तुम रिव्यू देखना चाहते हो तो तुम सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही साथ इस ट्रेलर के अंदर हमें दिशा जी भी देखने को मिल जाती है, और अगर तुम्हें दिशा जी की दिशा पता है तो प्लीज मुझे बता देना, मैं सीधा नमक लेके तैयार बैठा हूँ।